इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए। अखिलेश बाबू कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते थे। दुनिया में सबसे मजबूत और ताजा ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोगों की है। उत्तर प्रदेश के हॉट सीट कहे जाने वाली करहल का सियासी तापमान आज हाई, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के चाणक्य अमित शाह जब मैनपुरी में चुनावी हुंकार भर रहे थे, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सूत्रधार मुलायम सिंह यादव प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के करहल सीट से चुनावी मैदान में। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले करहल में पहली बार विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले तो करहल की लड़ाई एक तरफा लग रही थी, लेकिन अखिलेश के टक्कर में बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री और सांसद एसपी सिंह बघेल को उतारकर इस सीट की जंग को दिलचस्प बना दिया है। केंद्रीय मंत्री के चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि करहल की सीट को वो किसी कीमत पर इस बार नहीं गंवाना चाहती। बीजेपी के इसी दाव को देख अब सपा भी अपने ही गढ़ में प्रचार करने को मजबूर हो रही है। इसलिए तो कुछ दिन पहले तक अखिलेश जहां ये कहते सुने जाते थे कि उन्हें करहल में तो प्रचार की जरूरत ही नहीं, उसी करहल में आज वो प्रचार करते दिखे। बताओ, भारतीय जनता पार्टी झांसा देती है कि नहीं देती है? भारतीय जनता पार्टी झगड़ा लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नाम बदलने से लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनको भारतीय झगड़ा पार्टी नाम रख लेना चाहिए, क्योंकि जनता उनका समर्थन नहीं कर रही है। करहल के सियासी किलों को फतेह करना समाजवादी पार्टी के लिए कितना मायने रखता है, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि खुद मुलायम सिंह यादव यहां पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे। हालांकि एक तरफ समाजवादी पार्टी थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी से भी अमित शाह चुनावी हुंकार भरते नजर आए, जहां फिरोजाबाद के चुनावी मंच से उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी पर जुबानी प्रहार किया। अगर फिर से सपा की सरकार आएगी तो अखिलेश बाबू कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते थे, 200 यूनिट की क्या बात करते हो, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते। किसान, नौजवान और व्यापारी, ये तीनों मिलकर देश को मजबूत करेंगे, यही मेरी अपील है। और इसी के साथ हम सभी साथियों से कहना चाहते हैं, आज बड़ी मेरी भीड़ आई है, मामूली बात नहीं है, इतनी भीड़ कभी होती नहीं थी सभाओं में, आज लाखों लोग हैं, इसी हैं, बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं। तो मैं विश्वास दिलाता हूँ समाजवादी पार्टी आपकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव बेहद रोमांचक होता जा रहा है। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ही पहली बार विधानसभा के चुनावी रण में उतरे हैं। सीएम योगी ने जहां अपने गढ़ गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो अखिलेश यादव ने भी करहल को चुनकर अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश की, क्योंकि करहल हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। करहल सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डाले, 1953 में समाजवादी पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की थी, 1996 में भी यहाँ पे सपा की ही जीत हुई थी, 2002 में सिर्फ एक बार बीजेपी ने यहाँ जीत दर्ज की, इसके बाद 2007, 2012 और 2017 तीनों चुनाव में समाजवादी पार्टी ने करहल में अपना जीत का झंडा गाड़ा था। आंकड़ों से साफ है कि करहल में बीजेपी ने सिर्फ एक बार जीत दर्ज की है। 2017 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी यहां अपनी जीत का परचम नहीं लहरा पाई, लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने केंद्रीय मंत्री को चुनावी मैदान में उतार कर बड़ा दाव खेल दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि करहल एक बार फिर अपना इतिहास दोहराएगा या बीजेपी का नया इतिहास लिखा जाएगा।